इस साल अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव क्रॉस्ड द 300 मार्क। दिस ईयर वी हैव 4 पोजीशन। उन चार में से तीन ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन से स्कोर की। अच्छा, ये वो पीरियड था जो कि गेम चेंजर था। अब देखें, अगर चैलेंज ना हो तो ऑब्वियसली काम करने में मजा नहीं आता। मतलब ए लेवल की तैयारी भी कर रहे हैं और साथ में टेस्ट की तैयारी भी कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता। सो इस ब्रेक को अकोमोडेट करने के लिए हमारे जो बैचेस नॉर्मली सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होते थे, वो बैचेस हम इस साल अगस्त मिड में स्टार्ट कर रहे हैं। IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज हुनैन एंड आई एम अकंपनीड बाय दलाल भाई। आज फर्स्ट टाइम हम दोनों साथ ही एक वीडियो में आए, और इसके ऑब्वियसली एक बहुत स्पेशल रीज़न है। हम हर साल अपने रिजल्ट्स पब्लिश करते थे, और एक पोस्ट में या फिर मैक्सिमम एक स्मॉल एनिमेटेड वीडियो में हम इसको पब्लिश करते थे। लेकिन इस साल कुछ स्पेशल ही होगा कि हम दोनों ने सोचा कि हम आके इस पर बात करें और हम अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करें। लेकिन बिफोर वी पब्लिश आवर रिजल्ट्स, देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच नीडेड टू बी डिस्कस्ड। वन, ये जो राउंड वन और राउंड टू 2021 की आईबी की जर्नी थी, इसमें हमने क्या प्रॉब्लम्स इनकाउंटर करी, और नंबर टू, हमने इन प्रॉब्लम्स को कैसे इनकाउंटर करा। रिजल्ट्स फिर उसको फॉलो करेंगे। आई वुड लाइक तलाल भाई टू टॉक अबाउट ऑल द प्रॉब्लम्स एंड अनसर्टेनिटीज अबाउट दिस एंटायर ईयर। तलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तलाल। एंड जैसे हुनैन ने भी कहा कि हमने इस साल काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की। अब देखें, अगर चैलेंज ना हो तो ऑब्वियसली काम करने में मज़ा नहीं आता, लेकिन दिस ईयर वॉज पर्टिकुलरली थोड़ा सा इट वॉज चैलेंजिंग फॉर द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स बोथ, पार्टली बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट दैट वी आर लिविंग इन राइट नाउ। बिकॉज इन द वेक ऑफ कोविड इफ़ यू सी, तो मसला एक ये आ रहा है कि हद से ज़्यादा इस साल अनसर्टेनिटी थी। ठीक है, स्टूडेंट्स डिड नॉट नो कि टेस्ट होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली ये बहुत एक डेंट देता है आपकी माइंडसेट को कि यार, अगर मुझे ये पता ही नहीं है जिस टेस्ट के लिए मैंने प्रिपेयर करना है वो होगा कि नहीं होगा, तो ऑब्वियसली मेरी प्रिपरेशन के अंदर कभी भी वो जान नहीं होती। ठीक है, टू ऐड टू दैट, मेरे पास जो एग्ज़ाम डेट्स थी वो एग्ज़ाम डेट्स ही नहीं आ रही थी। पता ही नहीं था कि ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे, इंटर के एग्ज़ाम्स होंगे तो कब होंगे, पता नहीं था। अनसर्टेनिटी थी, कब इंटर की तैयारी करें, कब ए लेवल्स की पढ़ाई करें, कब आईबी की तैयारी करें, कब यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करें। द स्टूडेंट्स डिड नॉट नो एनीथिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट अनसर्टेनिटी, जो प्रिपरेशन के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होती है और जो टाइम सेटिंग होती है वो बन ही नहीं पा रही थी। अच्छा, ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए इसके टू ऐड टू दिस, एक प्रॉब्लम क्या हुई कि सैट, ऑब्वियसली क्योंकि कोविड था, बढ़ रहा था, अक्टूबर दिसंबर में होता है सैट, तो उसकी वजह से सैट के जो सेंटर्स थे मोस्ट ऑफ देम दे कैंसल्ड द टेस्ट, राइट? मतलब सैट हो ही नहीं रहा था। तो अब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सैट के स्कोर्स की बेसिस के ऊपर अपने आईबी का टेस्ट एग्जाम कराते हैं, तो वो सारे बच्चे किस लाइन में आ गए, वो भी बच्चे इस लाइन में आ गए कि दे हैड टू बाय फोर्स गिव द आईबी टेस्ट, क्योंकि उनके पास सैट का ऑप्शन नहीं था, जिसने एक एडेड प्रेशर डाल दिया। अच्छा, ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक और जो बड़ा मसला था वो था लॉकडाउन। ठीक है, लॉकडाउन क्या, हर 15 दिन बाद कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि केसेस भी अप डाउन हो रहे थे, तो लॉकडाउन वॉज द नीड ऑफ वी आर। तो उसकी वजह से बच्चे कभी ऑन साइट आ रहे हैं, कभी ऑनलाइन जा रहे हैं, बिल्कुल जो एक मोड था पढ़ाई का वो हर 15-20 दिन एक महीने के बाद चेंज हो रहा था, उसकी वजह से भी बहुत डिस्टर्बेंस थी। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद मैं आई वुड यू नो लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स के हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको बहुत ज़बरदस्त इनकाउंटर किया, एंड ऑब्वियसली द रिजल्ट्स स्पीक फॉर इट, एंड हुनैन भाई ऑब्वियसली वुड लाइक टू ऐड टू इट एज वेल। देर वर अप्रॉक्सीमेटली 3 लॉकडाउन्स इन द पास्ट एकेडमिक ईयर, और स्टार्ट हमने लिया फिजिकल से, उसके बाद हम गए ऑनलाइन पे, फिर तकरीबन नवंबर दिसंबर जनवरी का हाफ महीना ऑनलाइन रहा। अच्छा, ये वो पीरियड था जो कि गेम चेंजर था। मैं इस लॉकडाउन को या इस फेस को मैं एज अ प्रो लूँगा। अच्छा, इसकी वजह ये है कि हमारे पास क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी, तो हमने किया ये कि हमने बेतहाशा एक्स्ट्रा क्लासेस रखी। ऐसा एक्स्ट्रा क्लासेस क्या मतलब, क्वेरी क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट क्लासेस, डिस्कशन क्लासेस। हमने बच्चों के एक मैसेज सर्कुलेट करा कि भाई इस दिन इतने बजे हम एक एक्स्ट्रा क्लास रख रहे हैं, इज इट पॉसिबल? अगर मेजॉरिटी लोग बोलते थे कि ये पॉसिबल है तो हम वो क्लास कर देते थे। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो एक गिवन टाइम पीरियड होता है उससे कम से कम 30-40% ज़्यादा पढ़ाया गया, एंड दिस इज़ द ऑनेस्ट ट्रूथ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये फ़ायदा हुआ, हम जो GTs लेते थे वो क्योंकि हमने उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट करा,
तो हमने वो जीटीज जो थे हमने मोर देन व्हाट वी यूज्ड टू नॉर्मली टेक हमने बहुत सारे लिए। इसी तरह अगर मैं प्रैक्टिस टेस्ट की बात करूं तो एवरी सिंगल थिंग वाज मोर देन इनफ। तो ये एक ऑनलाइन का एक हमें एक बेनिफिट मिला। इसके अलावा बच्चों को बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थे कि भाई अभी दिसंबर में आईबीए का एक मास्टर्स का पेपर हुआ है, तो फरवरी में अगर ऐसे ही रहा, ऐसी स्टैग्नेंसी रही तो केसेस की, तो फरवरी में आईबीए का पेपर होगा। और फरवरी वाला पेपर भी हुआ, सीएस का मार्च वाला पेपर हुआ, एमबीए का पेपर हुआ, उसके अलावा सीए आईबीए राउंड टू हुआ, बीबीए सीएस राउंड टू हुआ, तो सारे पेपर्स ऑन टाइम हुआ। और बच्चों को बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थे कि भाई पढ़ाई कर लो, जो काम दिया जा रहा है वो कर लो। बहुत सख्ती थी क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों ने पूरे साल कुछ किया ही नहीं था और उनकी जो एक टेम्परेमेंट था वो था ही नहीं। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूंगा अपनी टेक्निकल टीम की। टेक्निकल टीम ने बेहतरीन काम करा, मतलब ट्रस्ट मी ऑन दिस। कभी ज़िंदगी में ऑनलाइन नहीं पढ़ाया, कभी ऑनलाइन जीटीज नहीं हुए, कभी इतना टेक्निकली साउंड हम नहीं थे, लेकिन बहुत मेहनत करी है सब ने। क्लासेस का ऑन टाइम होना, एरर फ्री होना, लैग फ्री होना, उन क्लासेस के की प्री रिकॉर्डिंग्स, उनके प्री लेक्चर्स, उनकी प्री वर्किंग, सारे जितनी जितनी बारीक बारीक चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, डिसबर्स करना, सब कुछ अलहमदिल्ला ऑन स्पॉट था। जीटीज का इफेक्टिव होना, जीटीज की स्कोरिंग होना, बहुत सारी चीज़ें थी, तो बेहतरीन काम था। इसके बाद जो हमारी एकेडमिक टीम है, जो हमारी बुक्स बनाती हैं, जिसमें ऑब्वियसली हम भी शामिल हैं, लेकिन जो हमारे हमें सपोर्ट करते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी। दे डग आउट अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट जो कि मिसिंग थे, दे डग आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि एड ऑन करनी थी, तो खूब रिसर्च हुई है इस साल। और शायद मैं हर साल आके यही बात करूंगा कि इस साल बहुत रिसर्च हुई है, क्योंकि विद एवरी ईयर थिंग्स आर इवॉल्विंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह आवर टीम इज इवॉल्विंग विद देम। तो ये एक बात थी, इसमें खूब मेहनत हुई है और जितनी प्रॉब्लम्स थी उनको ऐसे ओवरकम किया है। नाउ द बिग पार्ट, द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स ऑब्वियसली पोस्ट के थ्रू बताए जा सकते थे, लेकिन रिजल्ट्स का इस तरह वीडियो में आके बताना एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह थी। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव क्रॉस द 300 मार्क, 300 टोटल टेस्ट क्लियरिंग स्टूडेंट्स एट फ्रॉम आईबीए ग्रेड्स एट आईबीए। एंड नॉट ओनली 300, आई ट्राई टू गिव यू अ बेटर नंबर, 325 प्लस। ऑब्वियसली वी हैव एन एग्जैक्ट फिगर, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि हम इसको थोड़ा सा क्लियर रखें ताकि अगर कोई इसमें कोई बात हो तो वो कैरी फॉरवर्ड ना हो। तो 325 प्लस स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड आईबीएस टेस्ट फ्रॉम आईबीए ग्रेड्स। इसमें आईबीए राउंड वन के 100 हैं, बीबीए के सीएस राउंड वन के 38, एमबीए 32, 126 फ्रॉम आईबीए बीबीए राउंड टू, एंड फाइनली 33 फ्रॉम आईबीएस सीएस राउंड टू। तो ये 329 की अप्रॉक्सीमेटली फिगर है जिसको हम 325 प्लस बोल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमारे नंबर्स हैं। नाउ मैं चाहूँगा कि तलाल भाई कुछ इसमें एक्स्ट्रा बात करें जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली द नंबर इज़ ह्यूज, ह्यूमंगस, एंड यू नो द बिगेस्ट वी हैव हैड इन आईबीए ग्रेड्स हिस्ट्री, एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी अबाउट इट। लेकिन टू ऐड टू इट, ठीक है, इसमें देयर इज़ वन थिंग मोर दैट इज़ वेरी स्पेशल, और वो ये कि ना सिर्फ एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में बच्चों ने आईबीए का टेस्ट क्लियर किया, आईबीए ग्रेड स्टूडेंट्स ने, बल्कि वी हैव दिस ईयर वी हैव 4 पोजीशंस, ठीक है, 4 ऐसे बच्चे जिन्होंने पेपर्स के अंदर आईबीए के टेस्ट में पोजीशंस ली हैं। एंड टू ऐड टू दैट, उन 4 में से 3 ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन स्कोर की हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों ने पोजीशन स्कोर नहीं की फॉर एनी रीज़न तो वो स्पेशल नहीं है। हमारे हिसाब से हर बच्चा स्पेशल है, लेकिन ऑब्वियसली अगर किसी ने मेहनत ज़्यादा की है और उसने कुछ अचीव किया है तो उसको उसका जो भी ड्यू क्रेडिट है वो देना भी बनता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चाहूँगा कि मैं उन बच्चों के नाम भी अनाउंस करूँ जिन्होंने हमारे पास से पोजीशन हासिल की है, सो दैट यू नो, यू ऑल्सो नो अबाउट इट। द फर्स्ट इज़ वी हैव हमना सोहेल। हमना सोहेल हैज़ द फर्स्ट पोजिशन इन द BBS टेस्ट, ठीक है, शी हैज़ द फर्स्ट पोजिशन। देन वी हैव फाकिहा जमील, शी अगैन हैज़ द फर्स्ट पोजिशन इन BBS टेस्ट। एंड देन वी हैव रजा जॉन हु हैज़ फर्स्ट पोजिशन इन द CSS टेस्ट, ठीक है। तो ये 3 बच्चे जिन्होंने हमारे पास फर्स्ट पोजिशन सिक्योर की है। एंड देन वी हैव वन मोर थर्ड पोजिशन, एंड दैट इज़ मोहम्मद तलहा हु हैज़ अगैन स्कोर्ड अ थर्ड सिक्योर्ड अ थर्ड पोजिशन इन द BBS टेस्ट, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। ये ऑब्वियसली सब अल्लाह की तरफ से है, बच्चों ने मेहनत की, टीचर्स ने अपना पार्ट प्ले किया और ये जो अचीवमेंट्स हैं ये आप लोगों के सामने आई। अच्छा,
वन मोर थिंग, आप लोग कहेंगे कि यार ये रुक ही नहीं रहे, लेकिन ये कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा ये अच्छा रहा है, तो देयर इज़ वन मोर थिंग जो मैं आपको बताऊंगा, नॉट ओनली द पोजीशंस, अक्सर बच्चों को आपने सुना होगा वो काफ़ी नैक करते हैं कि यार आईवी में मैथ का जो सेक्शन है वो मुश्किल है, कैलकुलेटर नहीं है, ये मसला है, वो मसला है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इवन आफ्टर ऑल ऑफ ऑल दैट ऑल दोज प्रॉब्लम्स देयर इज़ अ स्टूडेंट वी हैव हु हैज स्टॉप्ड द मैथ सेक्शन फॉर बीबीए एट आईवी दिस ईयर, ठीक है, सो इट्स फातिमा रिजवान who has scored 160 in the BBA's test and she has the top score for that, ठीक है, तो ये थी कुछ अचीवमेंट्स जो हम लोगों को obviously हमारे लिए ये खुशी ही बात थी, तो हम ये चाहते थे कि ये खुशी हम आप लोगों के साथ शेयर करें और आप लोगों को भी ये बताएं ताकि जो बच्चे हैं जिन्होंने अचीवमेंट्स मिली उनको भी क्रेडिट मिले और हमारी बात भी आप लोगों तक पहुंचे। अच्छा ये तो देखें बात हो गई पिछले साल की ना, ऑब्वियसली पिछले साल अचीवमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन नाउ वॉट, अब एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे मैंने आप लोगों से बात करनी है, दैट इज़ द अपकमिंग ईयर, ठीक है ना, पिछले साल तो ये बच्चों ने अचीव कर लिया, अब जो आगे आने वाले बच्चे हैं जिन्होंने अगले साल टेस्ट देना है तो उन्होंने क्या करना है, उनके लिए क्या अपडेट है। देखें ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल दिस ईयर एंड दैट इज़ के एएस के बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हैं जो कि नॉर्मली मई जून में होते थे वो अब अक्टूबर नवंबर में होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं, इंटर के जो बच्चे हैं, उनके जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी अभी कोई फिक्स डेट हमारे पास नहीं है, तो अब जो बच्चे अक्टूबर नवंबर में तैयारी कर रहे हैं अपने ए लेवल एग्ज़ाम्स की, अगर उनसे मैं उस टाइम पे ये कहता हूँ कि यार प्लीज़ यू कैन कम यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट एज वेल, इट इज़ ऑब्वियसली इम्पॉसिबल फॉर देम, राइट, मतलब ए लेवल की तैयारी भी कर रहे हैं और साथ में टेस्ट की तैयारी भी कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता, ठीक है। सो इस ब्रेक को अकोमोडेट करने के लिए, ये एक डेढ़ महीने का जो ब्रेक है उसको अकोमोडेट करने के लिए और बच्चों की तैयारी में कोई नुकसान ना हो, हमारे जो बैचेस नॉर्मली सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होते थे वो बैचेस हम इस साल अगस्त मिड में स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि वो जो एक सवा महीने का ब्रेक आएगा ए लेवल्स की तैयारी के लिए फोकस के साथ, वो उनका यहाँ पर अकोमोडेट हो और अपने ए लेवल एग्जाम्स के बाद जब बच्चे वापस आएँ तो फुल फ्लेश्ड वो आई बी ए के टेस्ट की तैयारी करें जिस तरीके से नॉर्मली करते हैं बगैर किसी नुकसान के, और इंशाल्लाह जैसे इस साल बच्चों ने अचीव किया है अगले साल वी गेट टू सी दीज एंड इवन बेटर रिजल्ट्स जो हम लोगों ने इस साल देखे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो दिस इज व्हाट आई हैड फॉर यू गाइस, आज मैं ये बताना था और इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, दोबारा आप लोगों से बात करेंगे एंड मैं चाहूंगा हुनैन भाई इस पे एंडिंग नोट दे दें ताकि इंशाल्लाह फिर हम इसको खत्म करें। अल्हम्दुलिल्लाह द एयर हैज बीन अमेजिंग एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मसलहत है, अल्लाह की वजह से हुआ है ये, और स्टूडेंट्स ने सारे प्रॉब्लम्स को खुद हल करा है, वी वर ओनली यकीन करें वी वर ओनली द मीडियम, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये भी रिकॉर्ड टूटेगा, और बस जी थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।